पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन पढ़ा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। अब डायपोल पढ़ने से पहले हम लोग एक ये लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 का, जो क्या है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करेगी, उसका पाथ कैसा होगा, उसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहां पर बेटा क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली गई है E, जो कि नीचे पॉजिटिव प्लेट लगाई गई है, ऊपर नेगेटिव प्लेट लगाई गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर की तरफ। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहां पर ये O है, ओरिजिन। O ओरिजिन है और मान लेते हैं कि यहां से ओरिजिन से एक पार्टिकल अंदर आ रहा है। तो यहां पर हमारा एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, क्यू, और मास है एम। और ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से एंटर करता है, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे थे कि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। q कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब q इसमें एंटर कर रहा है तो q के पास, यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि q के पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो किधर की तरफ है? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में। और जैसे ही ये q इस फील्ड में आएगा वैसे ही क्या होगा, इस क्यू पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अच्छा, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी जो विभवांतर पैदा होगा, वो वी कितना हो जाएगा? वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या इसका पाथ होगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले पाथ डिस्कस करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे चलेंगे। तो पाथ डिस्कस करने में क्या है कि When a charge Q enters in the field E, इस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना? Q इंटू इतना फोर्स रहेगा। अब ये फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इस फोर्स से क्या होगी? ये बॉडी एक्सेलरेट होगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन, चार्ज पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा होगा? एफ अपॉन एम, यानी क्यू इंटू ई अपॉन एम। अब जरा सा ध्यान देना है कि ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज कर लो कि चार्ज इस पॉइंट पर है, तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है। तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, यानी इस पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी किधर आएगा? ऊपर की तरफ। यानी ये चार्ज आगे जाने के साथ साथ क्या करेगा? ऊपर की ओर। और इस चार्ज का पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना? यानी ये वही, हम लोग फिर से पहुंच गए 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर पे। इसकी मोशन इन अ प्लेन हो जाएगी, प्लेन में मोशन कर रहा है, यानी किसी भी पॉइंट पर इसकी पोजीशन को हम दो वेरिएबल से दिखाएंगे, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसकी जो, अब इस चार्ज को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी इस चार्ज की जो आगे बढ़ने वाली गति है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। लेकिन जो ऊपर उठने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने वाली जो वर्टिकल मोशन है, वो कैसी होगी? एक्सेलरेटेड। और ये किसके द्वारा गवर्न होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा गवर्न होगी। तो ये जो ए है ये किधर रहेगा? इन वर्टिकल डायरेक्शन। किसमें रहेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी अब हम क्या करते हैं कि लेट आफ्टर टी सेकेंड्स, पोजीशन ऑफ चार्ज इज पी।
सच दैट एक्स कॉमा वाई, यानी टी सेकेंड के बाद ये चार्ज इस पॉइंट पी पर है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, यानी इतनी देर में इसने वाई हाइट कवर की है और इधर की तरफ ये एक्स डिस्टेंस कवर किया है इसने, यानी इस टी सेकेंड में ये चार्ज क्या हुआ है एक्स दूरी आगे बढ़ा है और वाई हाइट ऊपर उठा हुआ है। Therefore, अब इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट है फॉर हॉरिजेंटल मोशन, यानी चार्ज की आगे बढ़ने वाली गति के लिए। तो चार्ज के पास इनिशियल वेलोसिटी किधर थी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए क्या होगा कि क्यू कवर्स एक्स डिस्टेंस इन टाइम टी, एक्स दूरी चल रहा है कितनी देर में टी सेकेंड में, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी जो आगे बढ़ने वाली मोशन है वो कैसी होगी यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो अगर हम लोग देखें तो एस इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो a वाला टर्म है कितना हो जाएगा जीरो, यानी ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो वर्क कर नहीं रहा है, ये एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन में लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा सिंपली x इज इक्वल टू यू टी, दूरी बराबर चार गुणे समय से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, ये हमारा हो जाएगा इसको इक्वेशन वन मान लीजिए आप और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। तो ये किसका हो गया x का एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली देखिए y के लिए क्या हो जाएगा फॉर वर्टिकल मोशन अब देखो यहां पर चार्ज के पास वर्टिकल मोशन के लिए यानी ऊपर उठने के लिए कोई वेलोसिटी थी नहीं, इसके पास सारी की सारी वेलोसिटी कैसी थी हॉरिजेंटल के लिए। तो t बराबर अगर हम केवल इसकी हॉरिजेंटल मोशन भूल जाइए, वर्टिकल मोशन का मतलब हुआ कि टी सेकंड में ये चार्ज वाई बराबर जीरो से वाई बराबर स्मॉल वाई हाइट तक चला गया है, यही तो हुआ ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से शुरू हुई इसकी मोशन, ये एक्सेलरेशन इस बॉडी पर लगा, ठीक है कितना एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन लगा और इससे हुआ क्या कि टी सेकंड में ये चार्ज वाई ऊंचाई तक चढ़ चुका है। तो इसमें क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी यू इज इक्वल टू जीरो, कोई भी वर्टिकल मोशन के लिए कोई इनिशियल वेलोसिटी के पास नहीं थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टी सेकेंड्स विद एक्सेलरेशन ए Q covers Y height, ठीक है यानी विरामावस्था से चलते हुए रेस्ट से चलते हुए T सेकेंड में A acceleration से जो चार्ज Q है वो कितनी Y height कवर कर रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा H is equal to U T plus half A T square से Y is equal to U T क्या हो जाएगा जीरो, जीरो into T plus AT यानी QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर, ठीक है यानी यहां से क्या हो जाएगा Y इज इक्वल टू 1 बाय टू क्यू एम ई इंटू टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमको करना क्या है कि इसमें भी T अननोन है इसमें भी टी अननोन है, दोनों टी को क्या करना है हटाना है। तो यहां से टी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन यू और उसको यहां पर क्या कर दें पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग इस प्रूफ को ले चलते हैं, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू किसमें रखेंगे 3 में, किसकी टी की वैल्यू
फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री। इक्वेशन टू एंड थ्री से क्या करेंगे हम लोग, यहां से t की क्या वैल्यू आएगी, x अपॉन u, यही वैल्यू यहां पर रख देनी है। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन टू एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी इसके इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ का इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर फोर। और ये क्या है, x में ये सेकेंड ऑर्डर का है और y में फर्स्ट ऑर्डर का है। और ऐसे इक्वेशन क्या दिखाते हैं, y square is equal to 4ax या x square is equal to, इसको इधर ले जाओ तो 4ay, यानी ये किसकी तरह है, एक पैराबोला की तरह है। ठीक है ना, पैराबोला की तरह। और जो सिंगल पावर में होता है वो उसकी एक्सिस होती है, तो y एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या होगी, y, यानी ये y के अलोंग ऐसे होगा। अगर ये y एक्सिस है तो ये पैराबोला किसके अलोंग होगा, y के अलोंग होगा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया हमें कि दैट इज पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। तो चार्ज पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अब ये इस पैराबोला का ये जो कर्वेचर है ये किस पर डिपेंड करेगा उसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अभी हम लोगों ने जो प्रूफ किया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि पहले केस में क्या था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वाई एक्सिस पर थी और जो पार्टिकल था वो एक्स एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यानी पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पाथ कैसा है, इस तरीके से पैराबोलिक आया। और जो हमें इक्वेशन मिला वो कौन सा इक्वेशन मिला था, x square is equal to 4ay type का equation, यानी ये origin से जाने वाला proper parabola मिला। ठीक, तो यही चीज मैंने लिख रखी है कि in perpendicular electric field path of charged particle is parabolic। Second, आप ये देखो यहां पर अगर हम लोग dy by dx यानी इस parabola का slope अगर निकालें, यानी अगर same velocity से उसी same electric field में, ठीक है, सेम वेलोसिटी से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो, प्रोटॉन एंटर करे और इलेक्ट्रॉन एंटर करे, यानी दो ऐसे पार्टिकल जिनका चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग है, यानी किसी एक का द्रव्यमान ज्यादा है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, कम है। ठीक है, तो हमें देखना है कि किसके पाथ का डेविएशन ज्यादा होगा और किसके पाथ का डेविएशन कम होगा। तो यहां से अगर हम लोग फाइंड करें dy by dx करें, क्योंकि ये x और y एक्सिस के बीच में हम खींच रहे हैं तो इसका जो स्लोप आएगा वो dy by dx आएगा। तो अगर हम लोग dy by dx करें यानी स्लोप ऑफ पैराबोला निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 2x into q by e upon 2mu, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से ये देखो क्या आ गया, q by m into x e upon u। यानी अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज और सेम चार्ज वाले या अलग चार्ज वाले और अलग मास वाले दो पार्टिकल, जैसे एक प्रोटॉन ले लिया और एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, ठीक है, तो जो स्लोप है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्यू बाई एम रेशियो के, चार्ज टू मास रेशियो आवेश और द्रव्यमान की निष्पत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्वेचर ऑफ कि किसका कर्व ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, किसका पैराबोला कम मुड़ा हुआ होगा, तो कर्वेचर ऑफ पैराबोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम रेशियो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो सेम रहेगा क्यू, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना, 10^-31, 9.1 × 10^-31। तो यहां मैं केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, 10^-31 केजी के ऑर्डर का है, ठीक। लेकिन जो प्रोटॉन का है, तो प्रोटॉन के लिए चार्ज तो सेम रहेगा क्यू, लेकिन इसका जो मास है वो कितना है, 10^-27 केजी के ऑर्डर का है। तो मानी सी बात है कि ये डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये क्यू बाई एम रेशियो की ये वैल्यू बड़ी होगी और इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर एक साथ इस फील्ड में, अब देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मानी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड डेविएट होगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट होगा। लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, लेकिन डेविएशन प्रोटॉन का ज्यादा होगा, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो प्रोटॉन का पाथ ये बनेगा, ये बना प्रोटॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा बनेगा, इससे कुछ फ्लैट होगा, ये इस तरीके से, ये किसका बनेगा, इलेक्ट्रॉन का। अब आप कहीं पर भी स्लोप निकाल लीजिए, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालें, तो यहां पर प्रोटॉन की स्लोप ये आएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्लोप ये आएगी। तो प्रोटॉन का जो एंगल है अल्फा, ये बड़ा आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगल आया बीटा, ये छोटा आएगा। तो आपने देखा कि क्या है, स्लोप क्या दिखा रही है, चार्ज पार्टिकल के पाथ के कर्वेचर को दिखा रही है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि उनमें से किसका होगा ज्यादा स्लोप, कि दोनों का स्लोप सेम होगा, या आप खुद करके देख लीजिएगा। तो ये दो चीजें हो गई किसके बारे में, स्लोप के बारे में। तीसरा कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर नहीं हो, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसको देखते हैं कि यहां पर पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा या कोई और कॉनिक सेक्शन होगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज जो है ये क्यू, ये या तो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर चार्ज क्यू है तो बेटा इस पर फोर्स क्या लगेगा, या तो इधर क्यू इंटू ई लगेगा और या इधर क्यू इंटू ई लगेगा, डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन पर। तो कुल मिलाकर के जिस तरफ ये मूव कर रहा है इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, यानी क्यू इंटू ई अपॉन एम, ये जो त्वरण लगेगा एक्सेलरेशन, ये या तो मोशन की डायरेक्शन में लगेगा या तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों ही सूरतों में ये इसकी वेलोसिटी के केवल अमाउंट को घटाए बढ़ाएगा, उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं करेगा, क्लियर है ना। ये चार्ज यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी जो वेलोसिटी है, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी घट जाएगी, लेकिन वेलोसिटी की केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर ये जिस लाइन के अलोंग ये चार्ज मूव कर रहा है उसी लाइन के अलोंग, तो क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ इज लीनियर या स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, लीनियर या स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक चौथा केस हम लोग लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर जा रहा हो हमारा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो चाहो तो। और चौथे केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर आएगा, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पर है। तो अब हम क्या करेंगे, यू को डिकम्पोज कर लें, तो यू को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं अलोंग द फील्ड और परपेंडिकुलर द फील्ड, तो इस तरफ आ जाएगा, अलोंग द फील्ड आ जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू कॉस थीटा से तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, और यू साइन थीटा अगर आ जाए इसके पास में, कैसा आ जाए,
यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये यू साइन थीटा है और ये यू साइन थीटा क्या करेगा, ऊपर की तरफ है। तो अब अभी पिछले केस में, इस वाले केस में क्या था, वर्टिकल मोशन के लिए इसके पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, यहां पर वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, ऑलरेडी है, ठीक है। यानी देखिए तो x बराबर यहां पर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, या t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, ये इक्वेशन वन हो जाएगा, क्लियर है ना। और y के लिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू टी, यानी u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ a, कितना लगेगा, q इंटू ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन m, तो q इंटू ई बाई एम, ये a इंटू टी स्क्वायर। अब t की ये वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ q इंटू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा प्लस QE अपॉन 2MU स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। और ये इक्वेशन फिर से क्या कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर पैराबोला का इक्वेशन नहीं, यानी ये वो पैराबोला नहीं है जो ओरिजिन से जाता है, ये वो पैराबोला है जो ओरिजिन के x tan थीटा इतने अमाउंट आगे से स्टार्ट होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर E के पैरेलल Q नहीं है और किसी भी डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, अगेन पैराबोलिक। यहां पर पाथ क्या है, अगेन पैराबोलिक, पाथ रहेगा पैराबोलिक ही, लेकिन क्या होगा, उस पैराबोला का जो फैमिली है वो चेंज होती चली जाएगी, यानी कभी प्रॉपर पैराबोला होगा, कभी वो इम्प्रॉपर पैराबोला होगा, कहीं पर ओरिजिन से जाने वाला पैराबोला होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का पैराबोला होगा, और कभी क्या होगा, ये इसके जनरल इक्वेशन के वाला पैराबोला निकलेगा। यानी हर केस में जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा फील्ड से किसी थीटा एंगल पर, तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। और लीनियर कब रहेगा, जब वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा। ये दो हमारे थे। अब हम लोग देखते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करेगी। देखिए लास्ट पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस में फैली हुई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, वी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो वी पोटेंशियल से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है क्यू, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कितनी एनर्जी से वो आया था और कितनी एनर्जी से वो निकला। तो यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा कि अगर हमारा क्यू चार्ज है और वो वी पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या है कि ये पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो जीरो है, और जब ये इस फील्ड को छोड़ रहा है, यानी इस पोटेंशियल से निकल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। तो ये v, स्मॉल v वेलोसिटी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आई है, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस या आप कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, ठीक है। तो यहां पर चार्ज पर फोर्स कितना रहेगा, f बराबर q into e, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, q into e upon m। तो therefore using equation of motion, कौन सा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, सॉरी तीसरा इक्वेशन, जिसको हम लोग वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन बोलते हैं, v square is equal to u square plus 2as, यही होता है ना। तो v square बराबर कितना हो जाएगा, 0 plus 2a हो जाएगा हमारा qe upon m, और जो दूरी कवर की है वो है ये d, जो चौड़ाई है, जितनी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से बेटा फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2qed upon m। अब ये जो e into d है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, v लिख दें, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 क्यू वी अपॉन एम। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, कब, जब हमारा पार्टिकल किसे इंटर कर रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी जीरो से। अभी हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी अगर यू से एंटर करेगा तो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना ही आएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है के इनिशियल, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी के फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम यू की वैल्यू तो जीरो थी यहां पर, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा हाफ एम, और वी स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा टू क्यू वी अपॉन, सॉरी कैपिटल वी, वोल्टेज वाला वी है, क्यू वी अपॉन एम। तो टू से टू, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी जो काइनेटिक एनर्जी अचीव हुई है वो कितनी हो जाएगी, क्यू इन टू वी। ठीक है, यानी अगर क्यू चार्ज को हम लोग वी वोल्टेज से एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इन टू वी। ठीक है, अब अगर दूसरा पार्ट इसका क्या देखते हैं कि यहां पर ये वेलोसिटी क्या होती, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होती, यू इज नॉन जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी बनती, हाफ एम यू स्क्वायर ये बनता ना, और यहां पर इसका जो इक्वेशन है वो देखो क्या चेंज हो जाता। तो ये पहला केस था जिसमें हमारा क्या था, यूनिफॉर्म सॉरी रेस्ट से चार्ज एंटर कर रहा था। अब चार्ज के पास इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारा जो इक्वेशन यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, और यहां से ये जो आएगी वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू क्यू ई डी अपॉन एम। ठीक है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है वो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जरा इसमें अगर हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर वन बाय टू, एम दोनों में कॉमन आ जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू रखिए यू स्क्वायर प्लस टू क्यू ई डी अपॉन एम, और माइनस ये यू स्क्वायर आ जाएगा तो ये फिर से यू स्क्वायर कैंसिल, और ईडी की वैल्यू क्या लिख दो, कैपिटल वी। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, हाफ एम टू क्यू वी अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, टू से टू कैंसिल, और फिर से गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, क्यू इंटू वी। इसका मतलब चार्ज चाहे रेस्ट से एंटर करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, या चार्ज जाते जाते किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से एनकाउंटर होकर के उसको क्रॉस करके निकल जाए, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में अचीवमेंट होगी यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना होगा, Q into E, और इसी से हमारी एक यूनिट बनी एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि जबकि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो ग्रोथ आती है या काइनेटिक एनर्जी जो उसको अचीव होती है वो क्या कहलाती है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो अगले चैप्टर पढ़ेंगे उनमें जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल।